हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है इस लॉकडाउन में आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को एक जबरदस्त मुकाम तक जरूर से जरूर पहुंचा रहे होंगे। और इसमें आपका मदद कर रहा है प्रतिज्ञा कंपटीशन सेंटर का ऑनलाइन क्लासेस। प्रतिज्ञा कंपटीशन सेंटर ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पर सर्च करके आप इसे देख सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने आपको परावर्तन, अपवर्तन और विक्षेपण और प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ा रखा है। जो स्टूडेंट लोग वीडियो को नहीं देख पाए हैं वह ऑनलाइन चैनल पर विजिट करें और जरूर से जरूर उसे देख करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन और इस पर आधारित घटनाएं एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में TIR भी बोलते हैं। आपको ऑप्शन में कभी कभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन न लिख करके TIR देगा। तो आपको ये समझना है कि TIR का मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो पहले हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में एक टर्म आता है क्रांतिक कोण का, एक टर्म आप इसमें मिलेगा आपको क्रांतिक कोण, जिसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल। इसको क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर ये है क्या, और जब आप ये क्रांतिक कोण को समझ जाएंगे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझने में काफ़ी आसानी होगा। तो अगर आपको अपवर्तन वाला केस अगर याद है कि अपवर्तन में क्या होता था, तो उसमें आपको ये पता होगा कि जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब से दूर भागता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए, ये मैंने कोई मान लिया कि ये सघन माध्यम है और ऊपर जो आपका है वह विरल माध्यम है। तो जब ये प्रकाश इसमें प्रवेश करेगा तो ये क्या होगा? इसको जाना चाहिए था कुछ इस तरह से। ये इसका सीधा लाइन अगर हो तो वो इस तरह से जाएगा, पर एक्चुअली में क्या है, वो माध्यम जो है विरल है। इस वजह से ये क्या होगा, ये अभिलंब से दूर भागेगा। हमने ये अपवर्तन के टॉपिक में पढ़ा रखा है कि जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर भागता है, और इसका कारण यह है कि विरल माध्यम में प्रकाश का चाल तेज हो जाता है, अधिक हो जाता है। अगर आपको ये बोला जाए कि अगर हम इस प्रकाश को, इस जो आपतित किरण है, अगर हम इसको थोड़ा सा और एंगल बढ़ा करके इंसिडेंट कराएं, मतलब कि ये वाला अगर थोड़ा सा और ऊपर कर दे, तो आपको पता है ये जो लाइन इधर जा रहा है वो इसके पैरेलल निकल जाएगा। जो क्या कर रहा है, जो दो माध्यम को अलग करने वाला जो तल है उसके समानांतर ये लाइन निकल जाएगा। कब निकला? जब हम इसको क्या किए, एंगल को बढ़ाएं, तब जा करके ये क्या हुआ, समानांतर निकल गया है। तो इस कंडीशन में जब आप यहाँ जब एंगल क्या कि हम इतना बड़ा किए, उस कंडीशन में ये क्या हुआ, लाइन सीधे कहाँ, जो सेपरेटिंग मीडियम था, जो तल को अलग अलग कर रहा था, उसके पैरेलल निकल के चला गया। पैरेलल ही ये क्या हुआ, लाइन पार हो गया। तो वह एक, देखिए यहाँ पर एक एंगल बन रहा है कुछ, जिस पर क्या हो रहा है, अपवर्तन कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। अपवर्तन कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि लाइन जो है, जो आपतित किरण जो है, वो अपवर्तित होने के बाद क्या हुआ, पैरेलल ही निकल गया है। तो अपवर्तन कोण कितना बन गया, 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, इस एंगल को, इस कोण को एक स्पेशल नाम दिया जाता है और इसको कहते हैं क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, और उसको शॉर्ट में हम लोग ICC डिनोट करते हैं। तो इसका अगर डेफिनेशन देखा जाए
तो किसी सघन माध्यम के लिए वह न्यूनतम आपतन कोण, किसी सघन माध्यम के लिए वह न्यूनतम आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, तो उस कोण को क्रांतिक कोण यानी कि क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अगर इसमें स्नेल का नियम लगाया जाए, स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम लगाया जाए तो आपको पता है यह एंगल आई सी है और यही क्या है, आई सी क्या है, इसका आपतन कोण है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, म्यू वन। तो ये हो गया सघन माध्यम का अपवर्तनांक। फिर लगाते हैं हम लोग क्या चीज़, साइन आई सी लगाते हैं आपतन कोण की जगह, और बाद में फिर दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक लेते हैं, मान लें कि विरल माध्यम का जो अपवर्तनांक है वह म्यू टू है। उसके बाद लिखते हैं आपतन कोण, अपवर्तन कोण की जगह, तो यहाँ पर एंगल क्या है, साइन ऑफ आर, ये है एंगल, और यहाँ पर आपको पता है कि जो साइन आर जो है, आप अपवर्तन कोण की जिया जो है वह 90 डिग्री बन रहा है, कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। तो म्यू वन साइन आई सी, आपको पता है साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। हमने कैसे लिखा स्नेल्स लॉ, तो प्रकाश सघन माध्यम से कहाँ जा रहा है, प्रकाश विरल माध्यम की तरफ जा रहा है, तो पहले हमने इस माध्यम को अपवर्तनांक लिखा, फिर हमने उसमें लगाया आपतन कोण की जिया आई सी, आपतन को यहाँ पर आई सी बन रहा है, आपतन कोण की जिया आई सी, फिर दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो कि विरल माध्यम है और साइन आर, ये क्या होता है, अपवर्तन कोण की जिया होता है, तो अपवर्तन कोण में कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ से अगर आप साइन आई सी ले लें तो ये आपका हो जाएगा म्यू टू, और साइन 90 डिग्री वैल्यू तो 1, डिवाइड में क्या बच जाएगा, म्यू वन, क्या बच जाएगा, म्यू वन। अगर हम म्यू टू को, म्यू टू को मान लें कि म्यू टू में जो विरल माध्यम है, अगर हम उसमें मान लेते हैं कि एयर है, क्या है, एयर है, तो क्या हो जाएगा, साइन आई सी इक्वल टू 1 अपॉन में म्यू वन, ठीक है। और आपको पता है कि म्यू वन जो है, म्यू वन क्या था, सघन माध्यम था, इसका मतलब यह हुआ कि सघन माध्यम का व्युत्क्रमानुपाती है क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण का मान क्या होगा, अगर माध्यम सघन है तो क्रांतिक कोण का मान उतना ही छोटा होगा, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेंगे, ये काम का चीज़ है। आपसे एग्जाम में कुछ कभी कभी क्या होता है कि कुछ मीडियम का, डायमंड का, ग्लास का, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका अलग अलग होता है, उसका क्रांतिक कोण आपसे पूछ लिया जाता है, तो आपको कुछ ध्यान रखना है यहाँ पे, क्रांतिक कोण का किसका कितना होता है, तो आप लोग इसको पहले नोट कर लेंगे नोट कॉपी में। अब हम लोग कुछ माध्यम का क्रांतिक कोण मेंशन कर लेते हैं, जैसे कि डायमंड, आपसे बोल दिया कि बताइए डायमंड का क्रांतिक कोण कितना होगा, वाटर के लिए जो क्रांतिक कोण होगा वह 48.75 डिग्री होगा, और डायमंड के लिए होगा 24.4 डिग्री, डायमंड के लिए 24.4 डिग्री, और ग्लास के लिए, कांच के लिए आपको याद रखना है 42 डिग्री, और क्राउन ग्लास, ठीक है, ये क्या है, क्राउन ग्लास है। अगर आपसे क्राउन ग्लास का पूछे तो ये होता है आपका 41.4 डिग्री, कितना होता है, 41.4 डिग्री होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। डायमंड का 24.4 डिग्री, वाटर का 48.75 डिग्री,
ग्लास का 42 डिग्री, क्राउन ग्लास का 41.4 डिग्री। देखिए हम क्या बोले थे कि माध्यम जितना सघन होगा उसका क्रांति कोण उतना ही कम होगा। तो देखिए डायमंड है, क्योंकि आपको पता है ये साइन आई सी इसके व्युत्क्रम अनुपाती है, तो डायमंड का 24.4 डिग्री डायमंड का, और वाटर का 48.75 डिग्री, ग्लास का 42 डिग्री, क्राउन ग्लास का 41.4 डिग्री। तो ये हो गया क्रांति कोण केस को कहते हैं। अब हम लिखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बने रहेंगे क्लास के अंत तक ले। हम आपके लिए आज कुछ स्पेशल क्वेश्चन भी लाए हैं, और वीडियो को अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो इसे लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो चलते हैं हम लोग क्रांति कोण से आगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की तरफ। यह है आपका सेपरेटिंग मीडियम, दो माध्यम को अलग करने वाला सतह। तो हमने देखा कि जब क्रांतिक कोण होगा क्या होगा, जब क्रांतिक कोण होगा तो अपवर्तन कोण डायरेक्ट 90 डिग्री पर चला जाएगा। अगर आप ही बताइए, अगर हम आपतन कोण जो आई होता है अगर हम उसको बड़ा कर दें क्रांतिक कोण से, अगर हम इसको क्या कर दें क्रांतिक कोण से बड़ा कर दें, तब क्या होगा, ये प्रकाश वापस क्या होगा उसी माध्यम में लौट जाएगा, वह प्रकाश क्या होगा उसी माध्यम में लौट जाएगा। तो इसका डेफिनेशन बन जाएगा कि वह कोण किसी सघन माध्यम के लिए वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तित किरण उसी माध्यम में लौट जाए, उसी माध्यम में कहने का मतलब सघन माध्यम में लौट जाए, तो उसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और आपको यह ध्यान रखना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने का कंडीशन क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का शर्त क्या है, शर्त यही है कि आई जो होता है आपतन कोण हमेशा बड़ा होना चाहिए, किससे क्रांतिक कोण से हमेशा बड़ा होना चाहिए, तभी क्या होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो ये आपको पूर्णांतिक परावर्तन ध्यान रखना। इस पर आधारित कौन कौन सी घटनाएं हैं उसको हम लोग समझते हैं कि पूर्णांतिक परावर्तन पर कौन कौन सी घटनाएं आधारित हैं। बने रहेंगे वीडियो के अंत तक, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। देखिए घटनाएं जो आधारित है किस पर, जो आधारित है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, कौन कौन सी घटनाएं हैं तो देखिए हीरे का चमकना जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। दूसरा टूटे हुए कांच का चमकना, जिस भाग में कांच टूटा हुआ है, सपोज दैट कि ये कांच है और ये यहाँ पे टूट गया है, तो टूटेगा तो देखिएगा ये कुछ दो भाग में इस तरह से बट जाएगा। तो इस वाले पॉइंट से जिस भाग में टूटा है तो कांच क्या होगा बहुत चमक बिखरता है, तो वह जो घटना है वह प्रकाश के पूर्णांतिक परावर्तन पर आधारित है। इसके अलावा और कौन कौन सी घटना है तो मृग मरीचिका यह भी घटना जो है वह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित है। कभी ऐसा होता है कि आप रेगिस्तान में कभी सफ़र कर रहे होंगे तो कभी दूर तक अगर आप नदी दौड़ाएंगे ना तो ऐसा लगेगा कि दूर में पानी का जलाशय पड़ा हुआ है, वहाँ पे है, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन जैसे ही आप वहाँ पर जाएंगे तो पानी के जलाशय के जैसा कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो इस घटना को कहते हैं पूर्णांतिक परावर्तन। इस तरह की घटना जो होती है वह पूर्णांतिक परावर्तन पर आधारित है। कभी कभी अगर आप
लॉन्ग गर्मी के दिनों में बस में बहुत तो लंबी सफ़र, सीधी सड़क पर जा रहे हैं, लंबी सफ़र पर जा रहे हैं, तो आपको ऐसा लगा कि रोड के सामने कुछ दूरी पर पानी रखा हुआ है, पानी गिरा हुआ है और वो क्या हो रहा है, चमक रहा होता है, आपको लगेगा कि वहाँ पर पानी गिरा हुआ है, लेकिन जैसे ही आपका बस जाएगा वहाँ पर ना, तो आपको पानी के जैसा कुछ नहीं मिलेगा। तो यह जो घटना है यह पूर्ण आर्थिक परावर्तन पर आधारित है। इसके अलावा और भी अगर बात करें तो जो ऑप्टिकल फाइबर है, प्रकाशीय तंतु, ऑप्टिकल फाइबर यह भी क्या होता है, पूर्ण आर्थिक परावर्तन पर आधारित होता है। प्रकाश तंतु का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो संचार व्यवस्था में किया जाता है प्रकाश तंतु का उपयोग। इसे क्या होता है, कम्युनिकेशन फास्ट हो जाता है। आपको पता होगा कि जियो जो है, रिलायंस जियो जो है, वह ऑप्टिकल फाइबर का केबल लगा रही है। क्यों केबल लगा रही है, क्योंकि आपको पता है कि इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन बढ़ेगा, इसी वजह से ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग संचार व्यवस्था कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है। देखिए ये जो ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशीय तंतु होता है उसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है, तो स्ट्रक्चर में देखिए सबसे पहले कॉपर वायर होगा, कॉपर वायर के बाद इस पर एक कवरिंग होगा, इस तरह से, यह जो होगा इंसुलेटिंग मटेरियल का होगा। सबसे पहले कॉपर वायर यहाँ पर हो गया, उसके ऊपर एक कवर होगा जो कि इंसुलेटिंग होगा, फिर इसके ऊपर क्या होगा, पतले पतले तार का एक अलग से कवर इस पर लगा होगा इस तरह से, फिर इसके ऊपर क्या होगा, एक और कवर लगा होगा। तो इसको कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशीय तंतु। अगर हम इसमें बात करें, आपने यहाँ पर देखा यहाँ पर दो तरह के इंसुलेटिंग मटेरियल का उपयोग हुआ है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल ये वाला हो गया ये इस रीजन में, और दूसरा इंसुलेटिंग मटेरियल हो गया इस रीजन में। तो ये इस रीजन का भी कुछ ना कुछ अपवर्तनांक होगा और इस रीजन का भी कुछ ना कुछ अपवर्तनांक जरूर होगा। अब क्या होगा, कोई भी यहाँ से फ्रीक्वेंसी आया, कोई भी लाइट यहाँ पे आया, तो ये क्या होगा, ये पहले इस पर इंटर करेगा, इसमें इंटर करेगा, फिर क्या होगा, ये इस तरह से जाएगा, ऐसे ऐसे होते हुए फिर क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगा। तो आपको ये बताना है कि ये जो फ्रीक्वेंसी वाला जो लाइन आया है, सिग्नल आया है, वह क्या हो, इस मीडियम में जाए और वापस इसी मीडियम में वापस आ जाए, फिर इसी तरह से होते होते क्या हो, ये पूरी तरह से इसी मीडियम में निकले, ये इस मीडियम में प्रवेश ना हो, उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए अपवर्तनांक का, μ1 का अपवर्तनांक बड़ा होना चाहिए μ2 से, या फिर μ1 का अपवर्तनांक छोटा होना चाहिए μ2 से, कौन सा कंडीशन सही होना चाहिए, ये वाला या ये वाला। तो ध्यान से देखिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। तो देखिए हम इधर एक डायग्राम बनाते हैं, उसी का डायग्राम, ये हमने बनाया अंदर वाले पार्ट का मटेरियल का कवर, और ये हमने बनाया बाहर वाले मटेरियल के लिए, ये हमने बनाया किसके लिए, बाहर वाले मटेरियल के लिए। अब यहाँ से आपने क्या किया, एक लाइट को इंटर करवाया है, यहाँ से लाइट इंटर करवाया है एक, तो आपको क्या चाहिए, ये जो लाइट गया है वो वापस यहीं पर आ जाए, बाहर ना जाए, क्या हो, वापस उसी माध्यम में आ जाए। तो हमको क्या करना है, पूर्ण आर्थिक परावर्तन पर होने के लिए सघन माध्यम को वापस सघन माध्यम में लौटना होता है, ठीक है। तो ये है μ1, इसका अपवर्तनांक है। अगर इस माध्यम को सघन करना है तो क्या करना पड़ेगा,
उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा करना होगा। म्यू जो है हम लोग क्या लिए हैं, वह अपवर्तनांक लिए हैं। तो अंदर वाले का जो मटेरियल होगा, यहाँ जो मटेरियल का कोटिंग क्या हुआ है, उसका अपवर्तनांक क्या होगा, ज़्यादा होगा किसके तुलना में, इस वाले बाहर वाले के अपवर्तनांक के तुलना में। तो ये सब कुछ घटनाएं हैं जो कि पूर्णांतिक परावर्तन पर आधारित है। वीडियो तक के लास्ट तक बने रहे, अभी और भी है इसमें। हम आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं HW के तौर पे। इसमें कहता है हवा के सापेक्ष में, हवा के सापेक्ष में, हवा के सापेक्ष में कांच, हवा के सापेक्ष में कांच एवं पानी का अपवर्तनांक, कांच एवं पानी का अपवर्तनांक क्रमशः, हवा के सापेक्ष में कांच एवं पानी का अपवर्तनांक क्रमशः, कांच है 3/2 एवं 4/3 है, क्या है 4/3 है। तो कांच के सापेक्ष में, किसमें, कांच के सापेक्ष में पानी का अपवर्तनांक क्या होगा, पानी का अपवर्तनांक क्या होगा, ये आपको बताना है। साथ में एक और क्वेश्चन आपसे ये है, थ्री बाई टू अपवर्तनांक वाले माध्यम में, 3/2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश का चाल ज्ञात करें, प्रकाश का चाल ज्ञात करें। तो ये है क्वेश्चन। तो आप इस सवालों का जवाब कमेंट में जरूर लिख करके जरूर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने आप को सुरक्षित रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।